नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी निलंबन आदेश और निलंबित समझा जाना के आदेश में अंतर। नंबर एक, निलंबन आदेश सक्षम अधिकारी तब करता है जब अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की संभावना हो या बड़ी सस्ती की कार्यवाही चल रही हो या जब कर्मचारी ऐसे कार्यकलापों में लिप्त हो जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो या फिर जब किसी फौजदारी मामले में कर्मचारी के खिलाफ कोई केस, छानबीन, जांच या मुकदमे चल रहे हों। किंतु निलंबित समझा जाना कर्मचारी पर तब लागू होता है जब नंबर एक, यह कर्मचारी 48 घंटे से ज्यादा पुलिस हिरासत में रहा हो तो हिरासत में रखने की तारीख से। नंबर दो, या जब कोई न्यायालय कर्मचारी को पदच्युत करने, पद से हटाने या अनिवार्य रूप से सेवामुक्ति के दंड को अमान्य कर दे और जब अनुशासनिक अधिकारी आगे और जांच करने का निर्णय करे तो कर्मचारी को दिए गए दंड के आदेश की तारीख से निलंबित समझा जाएगा। नंबर तीन, या कर्मचारी की दंड के विरुद्ध अपील पर दोबारा से जांच के आदेश दिए गए हों तब भी दंड के आदेश की तारीख से निलंबित समझा जाएगा। नंबर चार, या कर्मचारी की दंड के विरुद्ध अपील पर दंड अमान्य हो जाएगा तब भी दंड के आदेश की तारीख से निलंबित समझा जाएगा। दूसरा, निलंबन सोच समझ कर किया गया आदेश होता है जबकि निलंबित समझा जाना उपरोक्त स्थितियों में पड़ जाने पर अपने आप हो जाता है। तीसरा, निलंबन सक्षम अधिकारी के निर्णय पर हो सकती है, वह चाहे तो कर्मचारी को निलंबित ना भी करे, हालांकि कुछ परिस्थितियों में उसे आदेश देने पड़ सकते हैं, किंतु दूसरी स्थिति यानी निलंबित समझा जाना में सक्षम अधिकारी को आदेश देने ही होंगे। चौथा, निलंबन आदेश जारी होने पर ही प्रभावी हो जाते हैं जबकि निलंबित समझा जाना सूचना बाद में भी मिलने पर पिछले आदेश की तारीख से लागू होगा। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।